राहुल जी आप बताइए, आपने एक सिर्फ इंटरव्यू सिर्फ यूट्यूबर को क्यों दिया, वो बता। नहीं, ये हमारी मीडिया को देखते हैं, इन्होंने कहा कि देखिए आप जो जर्नलिस्ट हैं उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, मीडिया वालों से बात कीजिए। मैंने कहा देखिए अब उन पर प्रेशर होता है, वो बात सुनना तो चाहते नहीं है, मतलब सब कुछ जानते हैं वो ऑलरेडी, उनको मालूम है, डिसीजन ले लिया उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर बात करने का क्या मतलब है। मगर अगर किसी की राय खुली है, ओपन है, सोचता है, तो फिर उससे बात करी जा सकती है। जितना आप सच्चाई को लेके चल सकते हैं उतना चलना चाहिए, ठीक है। आपको मतलब लाइक्स की भी जरूरत होती है, वो अलग बात है, मगर सच्चाई से भी लाइक्स मिल सकती हैं। मेरा नाम खुशबू अख्तर है, मैं पलपल न्यूज़ से हूँ। 2 मिलियन से ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स हैं। जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा भुगत भुगी मैं ही हूँ। जब सरकार के खिलाफ सवाल किए तो चैनल बंद करा दिया, कोर्ट से जाकर हमें चैनल शुरू कराना पड़ा, और ऐसा एक बार नहीं 3 बार हुआ है। और इसके बाद जो परेशानियाँ हैं उससे डील करने के लिए हमें समझ में नहीं आता है कि कब हमारे पास नोटिस आ जाए कि हमारे चैनल को बंद कर दिया जाएगा। पिछले साल मेरा भी फेसबुक मिला, टाइम्स का जो ऑफिशियल था वो डिलीट कर दिया गया, 12 लाख से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स थे तो पेज ही डिलीट कर दिया गया। बहुत कोशिश की, 1 साल हो गए। जो चीज़ें जैसी हैं वैसी उनको दिखाई जाए और साथ में वो कमेंट भी दिया जाए कि हमको क्या सही लगता है। इस कमेंट के बिना जो चीजें जैसी हैं वैसी दिखा देना भी केवल हमारा कर्तव्य है। सर, धर्म के आगे जो जमीनी मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन और वही महिलाओं के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे, वो सारे दब रहे, सिर्फ धर्म धर्म दिख रहा है हर जगह। ये भीड़ इकट्ठा जो ट्रोल कर रही है, मेरा नाम कविता बुंदेलखंडी है, मैं कमल एडिटर इन चीफ हूँ और बांदा से आई हूँ, और हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं, हम नारीवादी मीडिया है। तो इन 20 सालों में जितना मैंने काम किया कि इतना मैंने देखा ही नहीं है जितना मैंने 5-10 साल में देखा है। 2002 से काम करते हुए हो गए 5.5 महीने मैंने कवर किया है गुजरात। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके आसपास के लिए बहुत ज्यादा वहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनकी जमीनें हैं 1 रुपए स्क्वायर फीट पे कॉरपोरेट को दिया गया है, 1 रुपए सालाना, और उन लोगों को जब चाहे जब उनको हटा दिया था, पूरे पूरे गांव खाली करवा दिया जाता है। काफी सारे हमें वीडियोस दिखाए गए, महिलाओं को पीटा गया, तो वो लड़ नहीं पा रहे, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, और कॉर्पोरेट उन्हीं के जगह पे पार्किंग बना रहा है और वहाँ पानी की बोतल तक नहीं बेचने दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी ने अपने यूट्यूब चैनल की और फेसबुक पेज की बात की, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुझ पर सेडिशन लगाया, मुझे 42 डेज तक मुझे फनल की जेल में रखा। उसके बाद मुझ पर जो मुझे गांव से निकाल दिया, अभी मुझे एक्सटर्नमेंट ऑर्डर मेरे खिलाफ अभी मेरठ की कोर्ट ने पास किया है। मैं 3 महीने मेरठ जिले में नहीं जा सकता हूँ। तो मेरा उस पर ये देखना, मैं देखता हूँ कि आप जो बहुत फोकस करते हैं कि मीडिया के लोगों को दबाया जाता है, लेकिन जो अल्टरनेट मीडिया है वो सरकार के अगेंस्ट खुलकर काम करती है। जब वो काम करते हैं तो जेल भी जाते हैं, लेकिन जेल जाने वाले जर्नलिस्ट लोगों के साथ में आप कितना है, किस तरीके से आप उनका साथ दे पाते हैं। मैं देखता हूँ कि आपका कुछ जर्नलिस्ट लोगों के समर्थन में स्टेटमेंट भी आते हैं, लेकिन मेरे बारे में बहुत अच्छे इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज भी बना, आप लोगों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। ये मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं शिकायत कर रहा हूँ। राहुल जी, ये कई लोगों ने यही कहा है कि जब इन पर हमला होता है, इनकी आलोचना होती है, सरकार कार्रवाई करती है, कांग्रेस पार्टी को खड़े होकर एक स्टैंड लेना चाहिए। नहीं, सही बात है, सही बात, हम नहीं करते, बट एक्चुअली सही बात है। बट इसमें एक और चीज़ है, काफ़ी केसेस में हमारे तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर भी बनाना चाहिए जहां आप हमें इन्फॉर्मेशन दे पाओ, क्योंकि हमारा अटेंशन भी मतलब आपके यहां शायद ना आए, तो आपके पास एक साधन होना चाहिए जिससे आप कहो भैया देखो मुझे तंग कर रहे हो, फिर हम आपकी मदद कर सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करना चाहते हैं। सर, ये ऑनलाइन जो ट्रोलिंग होती है, जो फाइनेंशियली हमारे उस पे जो एड रिवेन्यू की जो रिपोर्टिंग कर करके उसको कम किया जाता है, व्यूज को, वो तो अलग विषय है। इसके अलावा जो मेंटली हरेस किया जाता है ना सर, ऑनलाइन गालीबाजी जो होती है इनबॉक्स में आकर के, फोन कॉल्स पे और मैसेज के माध्यम से, सर उसमें कम से कम इतना हमें सहारा मिल जाए कि हमें लगे कि पीछे हमारे कोई है जो हमारी लॉयल। भैया, आपकी ट्रोलिंग ज्यादा हुई है मेरी। अब भाई बस, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप सबको मिला के मिला लो, मेरी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है। मतलब ऐसे 10 कमरे बैठा दो, उसमें भी मेरी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है, तो बात एक्सेप्ट करते हो। ये आपको क्या देखना है, ये जो ट्रोलिंग है ना, आपकी मदद कर रही है, इसको आप गलत तरीके से देख रहे हो, आप इससे डिस्टर्ब मत हो। जितनी आपको ट्रोलिंग करेंगे आप उसको एक्सेप्ट कीजिए और इनसे नफरत मत कीजिए। आपने कहा आप दलित हो, आपको लगता है कि 3000 सालों के लिए इन लोगों ने मुझे तंग किया है, तो किया है, मगर आप नफरत मत उठाओ।